first word is gargan in language meaning wizard, G-A-R-G-A-N-T-U-A-N. उसका मतलब होता है enormous, इसका मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा। इसका synonym है massive, huge, किसी भी चीज का बड़ा होना, huge होना, ज्यादा ही होना। एंटोनिम से इसका टी, और इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। द एग्जांपल, टाइगर्स एंड लायंस हैव अ गार्गंटुअन एपेटाइट। तो लायन और टाइगर के क्या होते हैं, बहुत विशाल, ज्यादा भूख होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंपेसेंट। इसका मीनिंग होता है असंतुष्ट होना, मूड से किसी भी चीज से उसे मन नहीं भरना। इसका मीनिंग है स्मग, किसी भी चीज से अपना दिल को पूरा ना करना। इसका सिनोनिम है सेल्फ सेटिस्फाइड, मींस व्हेनेवर यू आर सेटिस्फाइड विद समथिंग दैट इट्स कॉल्ड सेल्फ सेटिस्फाइड। एंड सेल्फ अप्रूविंग, व्हेन वी अप्रूव समथिंग, व्हेन वी गो विथ एग्रीइंग ऑन समथिंग, देन वी कॉल एज अ कंपेसेंट। एंड एंटोनिम्स है इसका डिससेटिस्फाइड, व्हेनेवर वी आर नॉट एग्री विथ समथिंग और सम डिसीजन, देन वी से एज अ डिससेटिस्फाइड। For example, you can't afford to be complacent among security. Next word है हमारा sloppy, which is an adjective. इसका मतलब होता है लापरवाह, किसी भी चीज़ में लापरवाही करना, careless हो जाना। इसका मीनिंग है careless। इसका synonym हम लोग देखेंगे splashed, S-L-A-P-D-A-S-H. ये भी बहुत ही अच्छा word है। And next word है इसका slipped, slipshod. एंटोनिम है इसका केयरफुल। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, वी गेव अवे अ गोल थ्रू स्लॉपी डिफेंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफेंसिव, जिसका मतलब होता है एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आपत्तिजनक, किसी भी चीज का आपत्तिजनक होना। मीनिंग है इसका इंसल्टिंग। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं रूड और derogatory. Antonym से इसका complimentary example है, the allegation made are deeply offensive to us. Next word है हमारा fraud, त्रुटिपूर्ण। इसका meaning होता unsound. इसका synonym से defective और flawed. Example में देखेंगे sound. For example, it was absolutely a fatally flawed strategy. Example क्या हमारा अनसाउंड, मीन्स किसी भी चीज़ का अच्छा ना होना, डिफेक्टिव होना, मीन्स किसी भी चीज़ में खोट निकालना या किसी चीज़ में कमी निकालना, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लॉड। इट वॉज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अ फ्लैटी फ्लॉड स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ह्यूडल, विच मीन्स भीड़ लगाना। व्हेनेवर वी से ह्यूडल मीन्स समथिंग वी आर ऑन अ मास बेसिस मोब, which means crowd. Synonyms is gathered, thrown, T-H-R-O-N-G. Antonyms is disappear. For example, they huddle together for ensuing warm. उन्होंने क्या किया, भीड़ लगा दिया एक बहुत अच्छा प्यार मिलने पे। हमारा वर्ड है ambitious, which means महत्वाकांक्षी। Ambitious, which means महत्वाकांक्षी, means aspiring. When we aspire on something, we desire for something, that means aspiring or ambitious. Ambitious. Synonym is determined, forceful. Means whenever we determine on something, just like we determine on studies or work on cooking, that we call ambitious. Antonyms are unambitious, means whenever you are not want to do something, that is means unambitious. For example, she is typical ambitious workaholic. वो क्या थी, एक बहुत ही, वो क्या है, बहुत ही महत्वाकांक्षी अपने वर्क से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनिशिएट। इनिशिएट मीन जनजात, इनिशिएट मीन जनजात, विच मीन्स इन बॉर्न, मीन्स जन्म से ही पैदाइशी। सिनोनिम्स आर नेचुरल, इनब्रीड। एंटोनिम्स है इसका अक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल हियर, इनिशिएट कैपेसिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, हर इनिशिएट कैपेसिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट मीनिंग इज डिस्पेंस, व्हिच मींस
मुक्त होना, किसी की चीज से डिस्पेंस हो जाना, उससे हट जाना। मीनिंग्स आर वे बी, इसका सिनोनिम्स है ओमिट और ड्रॉप। एंटोनिम्स हम लोग देखेंगे इंक्लूड, फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्पेंस विद द फॉर्मेलिटीज, शैल वी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बारबेरिक, विच मीन्स निर्दयी, मीन्स क्रूर। इसका सिनोनिम्स है ब्रूटल, बारबेरियस। एंटोनिम्स है बिलेवेंट, फॉर एग्जाम्पल ही कैरीड आउट बारबेरिक एक्ट्स इन द सेम वॉर। ही कैरीड आउट बारबेरिक मीन्स निर्दयी रूप से, मीन्स ही बहुत ही निर्दय एक्ट किया, किसमें, इन द नेम ऑफ वॉर, वॉर के नाम पे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।